आज हम एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज़ रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनिजम्स के लिए। ऑब्वियस सी बात है, रिप्रोडक्शन होता क्या है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनना, कंटिन्यूटी बनी रहती है, लाइफ जो है वो ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो क्यों ज़रूरी है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनकी कंटिन्यूटी बनी रहे लाइफ के सर्वाइवल के लिए, इनकी एग्जिस्टेंस बनी रहे ऑर्गेनिज्म के लिए, इसलिए हमारी रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, एसेंशियल होता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि कौन सा मोड जो है वो ज़्यादा बेटर होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले तो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है कि सेक्सुअल, खुद से आंसर दो पहले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादा बेटर मोड होता है रिप्रोडक्शन के लिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो गैमेट्स के फ्यूज़न से बनते हैं, वहाँ वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा बेटर मोड होता है, वेरिएशन आने की वजह से इवोल्यूशन हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनको हम क्लोन क्यों बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं लिखवा चुकी हूँ। क्लोन क्या होता है, जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि उनका जेनेटिक मटेरियल और बाहर से दिखने में मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब एक जैसे ही दिखते हैं। जैसे हम अगर हाइड्रा हम देखते हैं तो हम हाइड्रा के बीच में बता नहीं सकते कि ये पेरेंट है या ऑफस्प्रिंग है, तो हम क्या बोलते हैं, ये क्लोन्स होते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कौन से ऑर्गेनिजम्स के ज़्यादा बेटर चांसेस है कि वो सर्वाइव करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले क्या होंगे, वो सेम सेम दिखते हैं, तो कोई वेरिएशंस नहीं आती हैं उनके अंदर, तो उनके चांसेस जो होते हैं सर्वाइवल के वो कम होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि गैमेट्स के फ्यूज़न से बन रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल का फ्यूज़न हो रहा है, इसकी वजह से वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए कौन ज़्यादा चांसेस है सर्वाइवल के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोजेनी होती है, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई मियोसिस की प्रोसेस नहीं होती, कोई फ्यूज़न नहीं होता गैमेट्स का, ठीक है। सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, इसलिए हम उसको क्लोन बोलते हैं, ठीक है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मियोसिस की प्रोसेस होती है, गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, और जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो जेनेटिक वेरिएशन में, इवोल्यूशन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है, ये मैं तुम्हें टेबल में लिखवा चुकी हूँ, अपने नोटबुक में देखो। फिर पूछा, व्हाई इज़ अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो कंसिडर एज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों बोलते हैं हम, क्यों, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें कोई मियोसिस की प्रोसेस नहीं होती। तो हमने जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो हमने देखा कि कोई भी मियोसिस की प्रोसेस नहीं होती है, वहाँ पर सिंपली जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो सिमिलर ही बनते हैं, ठीक है। इसलिए हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। फिर नेक्स्ट है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती क्या है, वैसे तो लिखवा चुकी हूँ मैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है, ऐसा प्रोपगेशन, ऐसा रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की हेल्प के बिना हो, यानी कि उसमें मेल पार्ट का और फीमेल पार्ट का रोल नहीं होगा। किसका रोल होगा, फ्लावर का, स्टेम का, लीव्स का, बर्ड का, इन सब के थ्रू प्रोपगेशन होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पोटैटो, पोटैटो की बर्ड्स होती हैं, ट्यूबर्स जिसको हम बोलते हैं, आँखें जो बोलते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइलम के अंदर एडवेंटेशियस रूट्स होती हैं, राइजोम बताया था मैंने, जिंजर बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुवेनाइल फेज क्या होती है, जुवेनाइल फेज क्या बताई थी, याद करो। जुवेनाइल फेज वो होती है जब प्लांट जो होता है या ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद कंप्लीट मैच्योर हो जाता है, रिप्रोडक्शन फेज आने से पहले पहले तक का जो टाइम होता है, बर्थ से लेके और ग्रोथ करने का जो टाइम होता है, उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास पूछा है, रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या होती है। रिप्रोडक्टिव फेज़ वो कि ऑर्गेनिज्म जो है अब वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है, अब वो अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स को दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसका हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज़। और सेनेसेंट फेज़ क्या बताई थी, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो धीरे होना स्टार्ट हो जाती हैं, स्पीड कम हो जाती है एक्टिविटीज़ की,
तो उस प्रोसेस फेज़ को हम क्या बोलते हैं, सीनेसेंट फेज़ है।